नमस्कार। हरियाणा के कस्बा इंद्री के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थित खंड समावेशी शिक्षा केंद्र में जिन बच्चों को आप चित्रकारी करते हुए देख रहे हैं, ये खंड के विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो कि ज़िला कानूनी साक्षरता सेवाएं की तरफ से आयोजित खंड स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भेदभाव मुक्त समान अवसर देने, उनकी पूर्ण व प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और अधिकारों का संरक्षण करते हुए सामान्य समाज में समावेश के उद्देश्य को लेकर यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता BRC एवं प्रधानाचार्य शोभा चौहान की देखरेख में संपन्न हुई। अध्यक्षता BO राम कुमार ने की। एडवोकेट राजकुमार व जगविंदर सिंह ने जिला कानूनी साक्षरता अथॉरिटी की ओर से निरीक्षण एवं मार्गदर्शन किया। प्रतियोगिता में खंड के विभिन्न स्कूलों के 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में अस्थि बाधित बालक साबिल इंद्री की पेंटिंग को प्रथम स्थान के लिए चुना गया। भारती ने दूसरा और नेहा की पेंटिंग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। समारोह में संगीत शिक्षक संजीव कुमार के निर्देशन में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत गाया। प्राध्यापक वेद प्रकाश कौशिक, विशेष अध्यापक अमित पवार, रीना वर्मा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ननहेड़ा के मुख्य शिक्षक महेंद्र कुमार, रणधीर सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग किया। इस दौरान BRC शोभा चौहान ने कहा कि धरती पर अनेक रंग हैं, पूरी धरती विविधताओं से भरी हुई है, इंसानों में भी विभिन्नताएं हैं जो सबको स्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य व दिव्यांग बच्चे मिलकर सीखते हैं और अपने कौशलों का विकास करते हैं। बच्चों में भेदभाव करना कुदरत के नियमों का उल्लंघन है। संविधान सबको बराबरी के साथ सीखने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग का उदाहरण देते हुए कहा के प्रतिभा को मौका मिले तो वह सबको सम्मोहित करती है। बच्चे आए हुए हैं और बहुत उत्साह है उनमें, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग कर रही हैं। बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। और आज का यही संदेश इस पेंटिंग के माध्यम से, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी ने करवाया है, उनका कहना यही है, इसलिए करवाया जा रहा है ताकि ये बच्चे भी अपने आप को जो आम बच्चे हैं हमारे उनके बराबर समझें, अपने आप को किसी से कम नहीं समझे। तो ऐसा देखने में उत्साह भी दिख रहा है कि बच्चे बहुत सुंदर सुंदर जो बना रहे हैं पेंटिंग उनके, और सबसे खुशी की बात ये है कि उनके जो अभिभावक भी यहाँ आए हुए हैं जो कि उनको उत्साह पूरे तरह से उत्साह दे रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी करनाल की तरफ से जो एक कंपेन चलाया गया है लिविंग स्टार नाम से, ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। और यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं
और मिक्सअप किए गए हैं जो आम बच्चों से। अब देखने में ये महसूस होता है कि ये अपने आप को महसूस ही नहीं कर रहे हैं हम दिव्यांग हैं या इस तरह की कोई बात है। तो हम सभी इनको इस विशेष जो ये कंपेन है इस पर विशेष बधाई देते हैं।